सेक ले आधी आधी नींद मिला के एक सपना ही देख ले जिंदगी मुझसे बेखबर बेहंगम दौड़ी चली जा रही थी और मैं अपने हाथों में अपना डेथ वारंट लिए तिनके की तरह उड़ा था। मेरे प्यारों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। बेजी अली उम्मीद वक्त गवाह है कि मैंने जिंदगी को जीने में तेजी नहीं की, मगर अब वक्त बड़ी तेजी से मेरे हाथ से फिसल रहा था। बाजी ना प्लीज रोए, ठीक हो जाएगी फातिमा। इस तरह आप बीमार हो जाएंगी, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है आपकी। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह फातिमा ठीक हो जाएगी। मैं सुबह चक्कर लगाऊंगी, खाना बना के लाओ। अच्छा चुप तो करे ना, चले चुप करे, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। शमीम कहाँ रह गए थे आप, कहाँ गायब हो गए थे? मैं वो बस फातिमा की हालत ही देखी जा रही थी। अल्लाह अपना करम करेगा फातिमा पे। फातिमा से ज्यादा रुखसाना बाजी की तबीयत खराब है, चल इतना रो रही है। मैं भी उन्हीं से बात कर रही थी, मैं सोच रही थी माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी औलाद को इस हालत में देखना। मैं थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल गई और मुझे पीछे से अली की टेंशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा आपके होते हुए अली को कुछ नहीं हो सकता। खाना खाया आपने? कहाँ खाया होगा, मैं लेके आती हूँ। शमीम खाना खा ले। मील भी बड़ा हो गया, सिलेक्ट होना चाहिए। मैं तो आपको कब से कह रही हूँ, मगर आपको इतना प्यार है जाने नहीं देते। वो तो शायद आपके बगैर सो जाएगा कि आप सो पाएंगे। बेड पे जगह तंग हो रही है। खैर बेड तो बड़ा है, मगर आपका लाडला घुस घुस के आपकी साइड पे सोता है, इसलिए शायद आप तंग हो रहे हो। आज मेरी तरफ सो जाए, मैं उधर सो जाती हूँ। नहीं, मैं आज मैट्रेस ले आता हूँ, कल इसका अलग बेड ले आऊंगा। चलो बस थोड़ा सा तो बिल में बस ना। एक तो सारे जहान के ठीक ना मेरे नसीब में लिखे। मुझे बहुत तरस आता है आप पे अम्मी, पता नहीं कहाँ फंस गई। एक तरफ वो इतना कट्टर मिजाजी खुदा और एक तरफ मैं इतनी मीठी बेटी।
खत्म हो गई हैं आप अम्मी, रुल गई है आपकी तो जिंदगी। जब तुम्हें तो मेरी तकलीफ का अंदाजा है तो मेरे लिए आसानियां क्यों नहीं पैदा करती? अच्छा बताएं फिर क्या करूं? माफ कर दू आपके मिजाजी खुदा को कहती हैं तो? नहीं, तुम उन्हें माफ करो या ना करो लेकिन खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरी तो गुजर गई है जिंदगी, तुम्हारी अभी बहुत बड़ी। अबे तुझे मेरी शक्ल ही बुरी लग रही, अब तो ड्रामे भी ना आया कर बेटे मुंह है ना। ओए ओ छोड़ दे, बेजी क्यों खा रही है इतने मीठे बिस्किट? आपको डॉक्टर की बात समझ में नहीं आती है? डॉक्टर तो पागल है, वो व्यक्ति कर डॉक्टर तो पागल है, नहीं उन्होंने की पता है की करना की नहीं करना। तो पुत्र ऐसे तेरे बेजी ते अल्लाह दी रहमतां ने बंदा खांदा पींदा जाए। तो मेरी गल सुन, जिंदगी जड़ी ना अल्लाह ताला ने उत्तों लिख के भेजी, ना एक मिनट अगे ना एक मिनट पीछे। जदों बंदे ने जाना दुनिया ते रहना ते रह जाना ते जाए, बंदा खांदा पींदा जाए, फिर की अड्डे च नहीं। बस कर छोड़े से ना, एक बहुत हो गया, काफी हो गया ना, बस छोड़ दे। दा दा कर ठीक, तेरे होने मैं कुछ खा पी भी नहीं सकती, बस उन जी बगैर खाए मैं मर जाऊंगी। जब नहीं रहूंगा ना मैं, तब खा लीजिएगा जितना खाना है। ना की गल है, अबे तुम मन डरा रहे, पागल खाना इधर आ मेरे को की है इस तरह थोड़े। ओए ओए हन थोड़ी करी, ओए इधर। अच्छा मैं आ गया, एक सेकंड ठहर, की होया गल ते दस पुत्र, मेरी गल सुन। सेम रिपोर्ट्स, अब जितनी दफा भी टेस्ट कराएंगे रिजल्ट्स ही आएंगे। दूसरों को तकलीफ देके खुशी होती है आपको क्या? आप ये भी तो कह सकते हो ना कि नहीं शमीम, हो सकता है एक दफा फिर उनसे गलती हो गई है, ऐसा ना हो कि कह सकते हो ना कि। लेकिन मैं आपको झूठी तसल्ली देके आप के साथ बेएहतियाती नहीं बरतना चाहता। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे आपके लिए बेहतर है। शमीम साहब देर से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। ऐसा क्या किया मुझे? कभी कुछ ऐसा नहीं किया। आप शादीशुदा हैं? और कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप? खुदा की कसम नहीं। और बच्चे?
एक बेटा है मेरा। शमीम साहब, मेरा ख्याल है आप अपनी बीवी का और अपने बच्चे का भी HIV टेस्ट करवा लें। They're at high risk. क्या कहता मैं इसे कि मैं ये सारे टेस्ट क्यों करवा रहा जबकि मुझे भी नहीं पता कि मुझे ये कैसे हुआ, और अगर मुझसे इसे इससे बेहतर था कि मैं इसे पता ना चलने दूं कि मुझे इंसान जब मौत के सामने आ खड़ा होता है तो उसका सबसे पहला रिएक्शन चाहे डिनाइल का हो, वो उम्मीद और ना उम्मीदी की लकीर पे बिल्कुल ऐसे झूलता है जैसे बच्चे किसी स्विंग पर हो। आज सोचती हूं तो बहुत दुख होता है, शमीम किस तकलीफ से गुजर रहे थे अकेले। वो किसी को कुछ नहीं बता पा रहे थे, अपना गम अपना खौफ किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, मुझसे भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती थी मगर महसूस कर सकती थी कि हमारे दरमियान कुछ ऐसा है जो बहुत तेजी से बदल रहा है। मेरी जान, एक बार अकेले लेट के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आओ मेरे बच्चे, मुझे पापा के साथ सोना है, वो क्या प्रॉब्लम है? अली बदतमीजी कर रहे हो, मार खा लोगे, सुबह स्कूल है, लेट हो रहे हो, चलो सो जाओ। बस करो ना, क्यों डांट रही हो? सो ही नहीं रहा वो, सो जाएगा। गिव मी हग पापा, प्लीज 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 पापा। बस, हर वक्त की जिद अच्छी नहीं होती है। बड़े हो गए हो, बड़ों की तरह बिहेव करना सीखो। हर जगह हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता हूँ मैं। चल जाओ अपने बेड पे सो। अरे मुझे कुछ तो बता टोनी, क्या बात है? कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। चोरी करके आया वो? चोरी नहीं है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ चोरी करके आया वो, चोर नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मतलब है अंतर ही नहीं। टोनी,
ये कहाँ घुसा चला जा रहा है? ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं पुलिस को बुला लूंगा, निकल यहाँ से, निकल। धमकी दे रहा मुझे? हाँ दे रहा हूँ। भोसड़ी का मुझे धमकी दे रहा है? गांडू ठहर जाते। क्या कर रहा है? तेरे उस तरह से ना तेरी ही फाड़ के रख लूंगा। छोड़ो इसके, इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों उसको क्यों बीच में बैठे हो भाई? भाई तू मेरा भाई नहीं है तो निकाल, माँ का जेवर निकाल। नहीं निकालूंगा भाई, हूँ मैं तुम्हारा। मत कहो मुझे भाई। मेरी निवासी गंदे जलील कमीने, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे। है तुम में से कोई, है तुम में से कोई जो ऐसे अपना खून कहे? तू देख लिया, कोई नहीं रिश्ता रखना चाहता तुम्हारे साथ। गंदा खून है तू, बदनाम है तू, गंदा है, गंदा खून है तू। गंदा खून हूं ना मैं? हाँ मैं गंदा खून हूं ना। हाँ ये लो, ये है तुम्हारे खानदान का खून, ये लो, निकाल लो, एक एक बूंद निकाल लो मेरे जिस्म से। चोनी पागल हो गए तू? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। ये लो, ये लो, यही है ना गंदा एड्स वाला खून। मैं तो छू लो तो मैं बच जाओ, मैं तो मर रहा हूँ, तुम लोग बच जाओ। बेगैर तो छुओ, तेरे के कहाँ जा रहे हो राम साधो? तुम पहले मैं तुम छक्कों के खानदान पे बच जाओ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। मैंने सोचा मैं तुम्हारा हाल पूछूं। आराम है पहले से? अब बेहतर है। ओमीना, बहुत जुल्म किया तुमने। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें अच्छा नहीं समझा। मैंने ना खानदान का हिस्सा बनाया और तुम कुछ ऐसा करके भी नहीं आई थी कि मैं तुम्हें शाबाश दे दूं। मैंने तो बस वही किया जो अल्लाह का हुक्म था। क्या हो रहा किया मैंने? दुला भाई आपका अपना नजरिया है, मैं आपको बुरा नहीं कहती, मगर मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी कि अल्लाह अपने नाशुक्र बंदों से नफरत करता है। अगर वो नफरत करता ना तो मुझे शमीम कभी ना मिलता। क्या चाहती हो तुम? मेरी फातिमा को शमीम जैसा मिले? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पर तुम्हारी चंद मुलाकातों ने पानी फेर। पता है मुझे कि मेरी बेटी नफरत करती है मुझसे, मुझे परवाह नहीं है इस चीज की, लेकिन मेरी नफरत की वजह से वो अल्लाह से दूर हो रही। मिसाल मानती है वो, तुम उसको समझाओ कि उसका बाप उसका भला चाहता है, लेकिन तुम क्या समझाओगी? तुम्हें तो खुद को मेरा की पुत्तू है। एक बात बताओ, मजीद बातों है मत लेना। मैं घर से निकला था ना
तो मेरी माँ ने दोनों हाथों से मेरा माथा पकड़ के चू बहुत नदामत थी उसकी आंखों में। सारी जिंदगी वो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। अब जा करके अपनी सारी जमा पूंजी, ये सारे जेवर ये मुझे दे। आप रख ले, इससे आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। अरे तू क्या मेरा नुकसान पूरा करेगा? मेरा तो उम्र भर का नुकसान कर दिया तूने। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, खत्म कर दिया सब कुछ। वापस कर सकता है मेरी जिंदगी? बोल, तू क्या बोलेगा? तू तो अपने घर वालों का सगा नहीं बन सका। सोच सोच कर पागल हो रहा हूं मैं। कैसा क्या कर दिया मैंने? इसी क्या गलती हो गई मुझसे? क्या किया है मैंने? और जब वजह के बारे में सोचता तो वजह निकलती है तू। आप क्या बोले जा रहे हो? मैं ऐसा क्या करती? हिट्स हो गई है मुझे, हिट्स तेरी वजह से। तेरा किया मेरे आगे आ गया, बर्बाद होगी मेरी जिंदगी। ये बतला दिया है तूने मेरी मोहब्बत, मेरे एहसास का सब कुछ खत्म हो गया मेरा। तुम भी एक तुम्हारे मुंह से गाली बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं क्या करूं, बात इतनी फनी। ना मैं तो था इस काबिल, मैं तो था ही गुनाहगार। मैं तो डिजर्व करता था, लेकिन इस चली पासी का क्या कसूर था? क्या बात है, इतने खामोश क्यों हैं? ये
ये लव बाइट है। लव बाइट? मजाक कर रही हूँ। मॉस्किटो बाइट है, इतने मच्छर हैं, पूरी रात काटते रहते हैं। आज सुबह अली के बाजू पे भी देखे, काफी निशान थे। नहीं बार काय लगता, खुद ही जाना पड़ेगा, ले आती हूँ मैं आज जाके स्प्रे। तो मैं काम करूँ, बस वो अली को तैयार करवा दो, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है उसे। मॉस्किटो बाइट के लिए हॉस्पिटल जाना? नहीं, जो कह रहा हूँ बस कर दो ना, किसी से सवाल मत करो। क्या हो गया अली के मामले में आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? लगा दी थी मैंने क्रीम, ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबा नाराज ना हो, करती हूँ तैयार उसे, काम कर लूँ पहले। चले शमीम, चले अंदर। नहीं रहने दो। क्या मतलब जरूरत नहीं है, इतनी जिद करके लेकर आए हैं, बंदे भी नहीं जा रहे। बस छोड़ो ना, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं निकलेगा? आपको लग रहा था कि मैं डेंगी है, चले आ गई हूँ तो टेस्ट करवा। नहीं भाई, सरप्राइज था। ये पापा, ये व्हाट द सरप्राइज, आई लव सरप्राइजेस। अरे इतने दिनों से हम लोग आउटिंग के लिए निकले ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बहाने हम आउटिंग के लिए निकल चले। घर में आपकी मामा को बताता तो वो बेजी और बजिया को साथ टांग लेते। क्यों वाली है ना? ये मामा इज सो बोरिंग, चलें कहीं प्ले करते हैं। अरे हटो ना, पीछे बैठो आराम से, अब गले मत लगा करो। ये सीट सीट बेल्ट बांधो, बांधो ना। ऐसा बहुत बार हुआ, हॉस्पिटल जाते जाते मेरे कदम रुक जाते। अपने ही शौक से मैं अभी पूरी तरह नहीं निकल पाया था। अब मीना और अली के बारे में ऐसा कुछ सुन पाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उस वक्त को ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता था, इस खूबसूरत कायनात को जिसे एक एक दिन का करके सींचा था। भले किसी फैंटेसी की तरह ही सही, जब तक हो सकता था मैं जिंदा रखना चाहता था, जिंदा रखना चाहता था। आपको पता है आज हम कहाँ कहाँ गए थे? ना पता, मैं नहीं पता। और हमने कितना फन किया, और मैंने ये भी खरीदा। चंगा कीता, ते हुन जा अपने कमरे च ते होर ऐश कर जा। ये सारियां चीजां साडे वास्ते नहीं, हमारे लिए तो निराज आ भी है, मेरे ते वजी वास्ते बस। तुसी ऐश करो, तुसी घूमो फिरो, चिड़िया घर जाओ, जिथे मर्जी जाओ। खुदा का वास्ते कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी बातें ना कर। क्यों क्यों ना करूं, तैनू फिक्र है, है? तैनू मेरी फिक्र रह गई है। और सारा दिन रो रो के हशर हो गया तेरी भैन का, पर तू तो अपना घूमन फिरन च लगा होया है। उत्थे लै जाइए, उत्थे लै जाइए, उत्थे घुमा लईए। और मैं तैनू कहा सी ना, और मेरी धी वास्ते कुछ सोचो, लेकिन किसी नू परवाह नहीं, मेरी धी दी किसी नू भी नहीं। और मैं कहा सी ना टोनी, सुन के मेरी गल आराम नाल खलो, है कितने टोनी दौड़ गया, वो भी कर ली होगी उसने शादी, बैठे रहो ऐसे ही। मैं बता रही, मैं तेनू दस रही हाँ, मैं धी का काम लैके दुनिया तो नहीं जाना। क्यों करती है आप मन में की बात? तो की करा, की करा, मैं जीउंदे जी मर गई हाँ, तू मरण की गल कर रहा है। मैं तेनू कि समझावा, तू अपनी माँ भी भूल गया, अपनी भैन भी भूल गया। मैं ओदा दुखन दिल च नहीं लै सकती, वेखण च मैं सारे हट्टी कट्टी लगती हाँ, लेकिन नहीं, मर गई हाँ मैं अंदरों, मर गई हाँ। ना करे ना बेजी, ना करे ना ऐसी बातें, माफ कर देना मुझे। मैं ठीक है, आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मेरा हर किस मतलब आपको दुख देना नहीं है। माफ कर देना। मैं ना मैं तेरे जितना नुकिया से, मैं तेरे जी कह रही था तेरे। अच्छा चल कोई नहीं,
मैंने वजीहा का रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। हालांकि मैंने जिंदगी में अपने लिए शायद कभी कोई सही फैसला नहीं किया था, इसलिए मैं डरी हुई थी। मगर खुदा का शुक्र हुआ कि वजीहा के लिए एक अच्छा लड़का भी मिल गया और रिश्ता भी तय हो गया। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है। सीधा हाथ करो बेटा। लो जी, आसिया आपकी बेटी हमारी हुई। मुबारक हो जी आपको। मैं मुसलसल शमीम की परेशानी महसूस कर रही थी, फिर भी मुझे यकीन था कि सब ठीक हो रहा था, मगर मेरा दिल बहुत परेशान था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैंने भूलने की बहुत कोशिश की, मगर अब्दुल्ला भाई की बद्दुआ वाली बात तो जैसे मेरे दिल में तीर की तरह जाकर घुस गई थी। बहुत अच्छी है। इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ ये अच्छी लगेगी। और ये? मैं तो ये अच्छा लगेगा। कभी-कभी you know ना, कभी डिनर पे गए थे पहन के। एक कलर भी तो था ना इनके पास। तुम पे सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। हाँ, एक मस्टर्ड कलर था, यहाँ दिखा ना। ये देखे, ये प्यारा है। इसे सामने ला के दिखा दीजिए। इसके गले का काम कितना अच्छा हुआ। इसके इसी की फैमिली में और कलर्स है ना आपके पास? पर मुझे इसका ना ये नीचे वाला काम नहीं इतना अच्छा लग रहा है जितना गले का, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी ये भी तो छोटा छोटा। हाँ, इसके साथ अच्छा। मीना बाजी, आप कौन? बाजी मैं मारुख। मैं महसूस कर रही थी ये डिप्रेशन मेरी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। अब्बा ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी। अब सोचती हूँ क्या वो मुझे याद करते होंगे, मुझे बद्दुआएं देते होंगे। कितने बच्चे हैं बाजी आपके? एक बेटा है अली। आप ही की तरह होगा प्यारा सा। शादी हो गई तुम्हारी? आप मम्मी को सुनाती थी ना कि डायन औरतों की बेटियों की शादी नहीं होती। हुई थी शादी, डाइवोर्स हो गई। खैर अच्छा ही हुआ। मैं जानती हूँ आप नहीं पूछेंगी, मैं खुद बता देती हूँ। अम्मी वैसी की वैसी हैं, नकचड़ी डायन। लेकिन आपके जाने के काफ़ी अरसे के बाद अब्बू में कोई तब्दीली नहीं थी। पता नहीं क्यों अब वो बहुत ज्यादा जिक्र करने लग गए आपका। क्या फर्क पड़ता है, काफी वक्त गुजर गया। वक्त बाकी बहुत गुजर गया है, मगर अब्बू के पास रह बहुत थोड़ा गया है। क्या मतलब? अब्बू को कैंसर है, पिछले साल ही डायग्नोस हुआ था। बाजी वो बहुत याद करते हैं आपको। आप उनसे मिलने आएंगी ना? मुझे देर हो रही है, निकलना है। नहीं कह पाई थी अब्दुल अहमद, लेकिन अब मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो हाथ काट दूंगी तुम्हारे। जाओ यहां से।
मैं आपकी परेशानी तो समझ सकता हूँ, लेकिन मीन साहब आपका एटीट्यूड बहुत चाइल्डिश है। सिर्फ इस डर से कि आपकी बेगम का, आपके बच्चे का पॉजिटिव ना आ जाए, उनका इलाज ना कराए, तो सही नहीं है ना। ऐसा करके आप रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हैं। देखिए, डिनाइल में रहने से कुछ होगा नहीं शमीम साहब, सिवाय नुकसान के। हाँ सर, हम में इतनी हिम्मत, अगर उससे भी नहीं क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे। इससे तो नहीं, किसी बीमारी से खतरा नहीं है, आपके एटीट्यूड से खतरा है। देखिए, डिजीज मैनेजेबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसका सही वक्त पे इलाज शुरू हो, और इलाज के लिए ज़रूरी है कि टेस्ट सही वक्त पे करवाए जाए। इसलिए एडवाइज़ यू कि आप बेटे का, अपनी बीवी का टेस्ट करवाएं। और फिर वो दिन भी आ गया जिससे मैं बहुत खौफजदा था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें आ गई, ब्लड टेस्ट फॉर HIV, पेशेंट अली शमीम नेगेटिव, पेशेंट उमेना शमीम पॉजिटिव।